आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग की दाल और चावल के आटे से बने हुए इस हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक की रेसिपी को। इसे आप बनाकर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग टी टाइम में गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में पोल रखा था कि आप लोगों को किस तरह की रेसिपी चाहिए, तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा स्नैक की रेसिपी को वोट दिया है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आप सबको पसंद आए। सबसे पहले हमें लेना है 1/2 कप साबुत मूंग की दाल। इस मूंग की दाल में हमें 2 से 3 कप पानी डाल के इसे 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही 1/2 कप मूंग की दाल को रात भर के लिए भिगो लिया है। दाल का पानी मैंने हटा दिया है। अब इस दाल को हमें पीसना है। दाल के साथ ही हमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को भी पीस लेना है। तो सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच रफली चॉप किया हुआ अदरक, अदरक का छिलका हटा लिया है, उसके बाद अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्ची। मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें दाल डाल देना है। तो दाल को मैं एक साथ पूरा नहीं पीसने वाली हूँ, इसे मैं 1/2-1/2 करके 2 बैचेस में पीसूंगी। तो दाल को पीसते वक्त आपको इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दाल को हमने ऑलरेडी सोख करके रखा हुआ था, तो आसानी से ये दाल पिस जाएगा। तो अभी मैंने इसमें 1/2 दाल डाला है, अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल पीस लिया है, आप देख सकते हैं दाल को आपको बिल्कुल इसी तरह से पीसना है। तो अब ये दाल बिल्कुल तैयार है स्टफिंग बनाने के लिए। फिलहाल के लिए इस दाल को हम साइड में रख देंगे। अब हमें चावल का आटा लगाकर तैयार करना है। तो पॉट में मैं डाल रही हूँ 1 कप + 1/4 कप पानी, और अगर आप इस पानी को ml में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर 310 ml पानी का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले डाल देना है नमक। तो नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप चिली फ्लेक्स की जगह पर 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे पानी में हमें 1 उबाल आने तक का इंतजार करना है। जैसे ही पानी इस तरह से उबलने लगेगा तब हमें फ्लेम को जल्दी से ऑफ कर देना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा, और 1 बड़े स्पून की मदद से आटे को आपको पानी में बिल्कुल अच्छे से मिला देना है। तो आपको इसे थोरोली मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे बस रफली मिक्स करके पॉट को कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा और छूने लायक हो जाएगा तब हम इसे आटा लगाकर तैयार करेंगे। चावल का आटा जब हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे बोल में डाल देंगे। इसमें हमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल, और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इसका सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो आटे को लगाते वक्त ऐसा नहीं है कि आपको पानी की जरूरत लगेगी। शुरुआत में ही हमने इसमें जो 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था उतने में ही सॉफ्ट सा चावल का आटा लगकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सॉफ्ट सा चावल का आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इस चावल के आटे को हमें ढक के साइड में रख देना है 10 से 12 मिनट तक रेस्ट पर। अब हमें दाल वाली स्टफिंग बनाकर तैयार करना है। तो पॉट में मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। तड़के के लिए तेल में मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। तड़के को तेल में बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज जब फ्राई हो जाएगा और प्याज जब हल्का हल्का सॉफ्ट होने लगेगा तब हमें इस स्टेज पे फ्लेम को एकदम लो कर देना है। अब हमें इसमें मसाले डाल देने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर
और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे और मसालों को लो फ्लेम पे आपको इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि मसाला पक जाए। जब मसाला पक जाएगा तब हमें इसमें डाल देना है पिसी हुई दाल। और इसी के साथ साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भुना हुआ डेसिकेटेड कोकोनट और 2 चम्मच भुना हुआ और दरदरा कुटा हुआ सफेद तिल। ये दोनों टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि दाल जो है वो पूरा सूख जाए, यानी कि दाल के अंदर जितना भी पानी मौजूद है सूख जाए और जो दाल वाला मिक्सचर है सिमट के एक जगह आने लगे। तो अब आप देख सकते हैं दाल वाली स्टफिंग को आपको बिल्कुल इस स्टेज तक पकाना है। दाल वाली स्टफिंग सिमट के एक जगह आने लगा है तो बस अब हमें फ्लेम को ऑफ करना है और इसे हमें एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। चावल के आटे ने अब रेस्ट कर लिया है तो इस आटे को एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। आटे को छूने से पहले हथेलियों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा क्योंकि चावल का आटा हथेली पे बहुत ज्यादा चिपकता है। अब इस आटे में से हमें इक्वल साइज के 2 पोर्शन को डिवाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बड़े नींबू के आकार का 2 पोर्शन डिवाइड कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर टोटल 13 2 पोर्शन को इक्वल साइज में डिवाइड किया है। आप चाहें तो इस डो में से 15 से 20 इक्वल साइज के 2 पोर्शन को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 13 इक्वल पोर्शन में डो को डिवाइड किया है। तो अब उसी हिसाब से इस दाल से हमें टोटल 13 इक्वल साइज के बॉल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो हथेलियों को ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करके दाल वाले मिक्सर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आपको इस तरह से दाल के बॉल बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दाल का बॉल बना लिया है, इसे प्लेट में रखेंगे और अब इस सेम मेथड से हमें टोटल 13 इक्वल साइज के दाल के बॉल बना लेने हैं। अब इस चावल के आटे के अंदर हमें दाल वाले बॉल को स्टफ करना है। तो डो का एक पोर्शन लेके आपको हथेलियों के बीच में रख के इसे इस तरह से राउंड कर लेना है। उंगलियों की मदद से अब हमें इसे बढ़ा लेना है ताकि इसके बीच में स्पेस बन जाए। अब इसके बीचों बीच में हमें दाल वाले बॉल को रख देना है और इसे हम चारों तरफ से इस तरह से कवर कर देंगे। मेक श्योर कर लीजिएगा दाल वाला बॉल जो है वो कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए, वरना स्टीम करते वक्त ये पूरा का पूरा फट जाएगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसे हथेलियों के बीच में रख के इस तरह से राउंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया है, चारों तरफ से एक बार इसे आप घुमाकर चेक कर लीजिएगा ताकि दाल वाला स्टफिंग बिल्कुल ना दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक परफेक्ट बना लिया है, अब हम इसको प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से सारे के सारे हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। इसे अब हमें स्टीम करना है, तो स्टीम करने के लिए जाली वाली थाली के ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा तेल और तेल को हमें हाथों से चारों तरफ प्लेट में फैला देना है। इसे हमें जाली वाली थाली पे रख देना है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में आप गैप रखिएगा ताकि स्टीम होने के बाद ये आपस में चिपक के टूटे नहीं। तो अभी मैंने प्लेट पे टोटल 8 पीसेस रखे हैं क्योंकि मैं इसे हाफ हाफ करके 2 बैचेस में स्टीम करने वाली हूँ। अगर आप बड़ी जाली वाली थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सबको एक साथ स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए पॉट में मैंने 750 ml पानी को गर्म कर लिया है। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, पानी में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हमें इस स्टेज पे फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है।
अब इस पे हमें रख देना है जाली वाली थाली और इसे हमें ढक के लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम इसे 12 से 15 मिनट तक स्टीम कर लेना है। इससे ज्यादा हम इसे स्टीम नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा इसे स्टीम कर देंगे तो चावल का आटा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और खाते वक्त ये दांतों में चिपकने लगेगा। तो करीब 15 मिनट के बाद अब ये स्टीम हो चुका है। इसे चेक करने के लिए आप इसके अंदर टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट किया है, आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन निकला है, यानी कि अब ये एकदम तैयार है। तो इसे अब हम उतार लेंगे और इसे हम प्लेट में कर लेंगे और इस पे स्टीम होने के लिए मैं दूसरा बैच चढ़ा दूंगी। तो फर्स्ट बैच जो हमने स्टीम करा था उसके लिए अब हम तड़का बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच राई दाना, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स की जगह पर 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के सफेद तिल, 12 से 15 फ्रेश करी पत्ता और 1 पिंच हल्दी पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 पिंच ही हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ज्यादा आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तड़के को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमें डाल देना है दाल वाला स्टफ्ड बॉल। और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है ताकि इसके ऊपर तड़का बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पर मैंने जो पहला बैच स्टीम किया था उसे ही मैं सिर्फ तड़का लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसे अभी तुरंत सर्व करने वाली हूँ और जो सेकंड बैच स्टीम हो रहा है उसे मैं फ्रिज में करके रख दूंगी। जब मुझे उसे सर्व करना होगा तो मैं तड़का तैयार करूंगी और उसके बाद मैं उसे गर्मा गर्म सर्व करूंगी। तो इस तरह से आप इसे पहले से ही स्टीम करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको इसे खाना हो तो तड़का तैयार कीजिए और इसे बनाकर आप इसे हरी मिर्ची और हरी धनिए वाली तीखी चटनी के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग टी टाइम में गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब तड़का इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाएगा तब हमें इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि तड़के का जो अरोमा है इसके अंदर तक बिल्कुल अच्छे से चला जाए। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे मैं सर्व कर रही हूँ हरी मिर्ची और हरी धनिया वाली तीखी चटनी के साथ क्योंकि मुझे इसे हरी चटनी के साथ खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आप चाहें तो हरी मिर्ची की चटनी के अलावा आप इसे सर्व कर सकते हैं नारियल की चटनी के साथ, शेजवान चटनी, टोमेटो सॉस या फिर ग्रीन चिली सॉस के साथ। किसी भी तरह की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, सबके साथ इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे गार्निश करने के लिए तड़के में से ही करी पत्ते को निकाल कर इसके ऊपर हमें लगा देना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। साथ ही साथ इसके ऊपर हमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है कटा हुआ धनिया पत्ता। तो अब मैं आपको इसे करीब से दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसे आप बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 3 से 4 दिन तक। जब आपको इसे सर्व करना हो तो कढ़ाई में 1/2 छोटा चम्मच तेल डालिए और इसे डालकर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए गर्म कर लीजिए और बस ये खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसे सिर्फ स्टीम करके रख सकते हैं। जब आपको इसे सर्व करना हो तो इसमें तड़का लगाइए और फिर उसके बाद आप इसे कीजिए। तो आप भी इस हेल्दी और टेस्टी से स्नैक रेसिपी को घर पे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो आया है पसंद तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नई रेसिपी के साथ।